दोस्तों व्हाट्सएप के मैं यहाँ पे पांच न्यू लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये जो अपडेट है ना, आज के डेट में मुझे फाइनली मिल चुका है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना आपको इनमें से कौन कौन से अपडेट पहले से मिला हुआ था और किस किस अपडेट के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। ये जो पाँच जो न्यू अपडेट मैं आपके साथ जो शेयर करूँगा ना, ये पाँचों अपडेट बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। और इनमें से जो एक अपडेट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, खासकर उनके लिए जो लोग प्राइवेसी को ज़्यादा लेकिन टेंशन में रहते हैं कि व्हाट्सअप सेफ है या नहीं। तो इस अपडेट को जानने के बाद ना, अब आपको लग जाएगा कि बिलीव हो जाएगा कि हाँ रियली में व्हाट्सअप बहुत हद तक सिक्योर है। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, बिकॉज आगे भी इस तरीके के लेटेस्ट अपडेट और न्यू न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो विदाउट एनी डिले। फर्स्ट अपडेट की बात करें तो ये अपडेट मुझे लग रहा है कि आपको मिल चुका होगा। इस अपडेट में ये होगा ना, अगर जब व्हाट्सएप पर स्टेटस को शेयर करोगे, जब आपका कोई फ्रेंड फैमिली मुन्ना शुन्ना आपके स्टेटस को देखेगी तो वहाँ उनको ना कमेंट के साथ साथ एक रिएक्ट का ऑप्शन मिलेगा। मतलब वहाँ पर आपका जो स्टेटस का जो नीचे वाला जो बार सेक्शन है ना, उसके जस्ट बाजू में आपको एक हर्ट का ऑप्शन मिलेगा। उस हर्ट वाले आइकन पर जब भी कोई बंदा रिप्लाई करेगा और जब आप उस भी वाले सेक्शन पर जाकर देखोगे उस हर्ट का रिएक्शन क्या है, तो कुछ अलग सा ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये फाइनली मुझे अपडेट काफ़ी अच्छा लगा कि जिस तरीके से इंस्टा के ऊपर अपना हर्ट को वहाँ पर लाइक कर सकते थे, अब उस तरीके से अपने व्हाट्सअप के स्टेटस के सेक्शन में भी वो हर्ट वाला आइकन को यहाँ पर मतलब हवे में इस तरीके से उड़ा सकते हो, जो कि काफ़ी देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा। सेकेंड अपडेट की बात करें तो ये अपडेट खासकर उनके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा जो लोग ये पता करना चाहते हैं कि हमारे जो कॉन्टैक्ट में नंबर सेव है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, हम अपने कॉन्टैक्ट के अंदर बहुत सारे मल्टीपल नंबर को सेव कर लेते हैं, राइट। हमें पता ही नहीं चलता है कि इनमें से कौन कौन से नंबर अभी रिसेंट में अकाउंट ओपन किया है व्हाट्सएप के एप्लीकेशन के अंदर। जिसे मैं फिर से बता दूं, जिसे मान चलो अपने कॉन्टैक्ट में नंबर बहुत सारे सेव किए हो, अब यहाँ पे वो सारे नंबर तो व्हाट्सएप अकाउंट नहीं बना है, उनमें से कुछ नंबर से व्हाट्सएप बना होगा, कुछ नंबर से व्हाट्सएप नहीं बना होगा। लेकिन अपने को ये कैसे पता चले कि अभी जो न्यू यूजर्स वो न्यू नंबर से अकाउंट को क्रिएट करें तो हमें नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब उस प्रॉब्लम को व्हाट्सएप ने सोल्यूशन ला दिया है कि आप ये चीज़ भी आप घर बैठे पता कर सकते हो। सिंपल कुछ नहीं करना है, अपने व्हाट्सएप को ओपन कीजिए, लेटेस्ट वर्जन का अपडेट करने के बाद प्लस आइकन पर टैप करेंगे, ऊपर में आपको क्रिएट न्यू अकाउंट का सेक्शन मिलेगा, उसके अंदर जितने भी अकाउंट दिखेंगे वो सारे अभी न्यू आज या कल के डेट में बने हुए हैं, बस आप उनको हाय हेलो सेंड करके उनसे भी जुड़ सकते हो। तो अपडेट फाइनली मिल चुका है, आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हो आपको ये अपडेट मिला है या नहीं। थर्ड अपडेट की बात करें ना, तो ये जो अपडेट है ना फाइनली फ्रेंड्स, मुझे बहुत हद तक इम्प्रेस किया है। और ये जो अपडेट आप सीख जाओगे ना तो आप भी बहुत खुश हो जाओगे। ये इस अपडेट को आप जितना तारीफ करोगे ना उतना ही कम है, बहुत ही अच्छा अपडेट है व्हाट्सएप की तरफ से। क्योंकि फ्रेंड्स पहले के अकॉर्डिंग अब देखा जाए, देख आपने नोटिस किया होगा, हम जब भी कोई एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करते हैं तो उस एप्लीकेशन में जो है नंबर इंटर करते हैं साइन अप करने के लिए, अगर उस नंबर से अपने व्हाट्सएप को क्रिएट किया है तो वो कंपनी वाले और ब्रांड वाले आपके व्हाट्सएप पर स्पैम मैसेज भर देते हैं। एंड उसके साथ साथ उस मैसेज में लिंक भी आता है और लिंक पे आप बहुत लोग क्लिक कर देते हैं, क्योंकि बहुत लोग अपने आप को खुद को इंटेलिजेंट समझते हैं। और लिंक पे क्लिक करने के बाद जब उनका जो मोबाइल है, जो पूरा डिवाइस है, वो दूसरे के हाथ में एक्सेस चला जाता है, तो फिर वो उनका हवा पानी घूम कि क्या हो गया। तो जो ये स्पैम मैसेज आता है ना व्हाट्सएप के, वो अब आना बंद हो जाएगा। बस आपको ये सेटिंग्स को ऑन करनी होगी जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये सेटिंग का एक्चुअली नाम क्या है वो सबसे पहले जानना जरूरी है। ब्लॉक अनोन अकाउंट मैसेज, ये व्हाट्सएप पर फाइनली रोल आउट हो गया है और मुझे फाइनली मिल चुका है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको ये वाला अपडेट मिला या नहीं मिला। और मिल गया हुआ तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस ऑप्शन को हमेशा ऑन करके रखना, आपके व्हाट्सएप अकाउंट को कई हद तक ये सेफ एंड सिक्योर रखेगा एंड आपके साथ साथ आपका पर्सनल डेटा को भी सेफ रखेगा। तो आप इस ऑप्शन को जरूर इनेबल करें और आगे वीडियो को लाइक करके देखते रहें। फोर्थ अपडेट की बात करें तो ये खासकर उनके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा जो व्हाट्सएप चैनल से रिलेटेड वहाँ पे न्यूज़ या कोई टॉपिक फाइंड करना चाहते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल के अंदर एक आपको अपडेट दिखने को मिलेगा। आप व्हाट्सएप को जब लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लोगे और चैनल के सेक्शन में जाओगे, सर्च पर टैप करोगे तो वहाँ आपको कैटेगरी मिलेगा। आप वहाँ पर सर्च नहीं, आप कैटेगरी को टैप करके आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज अपने चैनल को फाइंड कर सकते हो। तो ये जो अपडेट है खासकर उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है जो अलग अलग कैटेगरी का चैनल को फाइंड करना चाहते हैं। पांचवी अपडेट इन लास्ट अपडेट की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ UI में चेंजिंग देखने को मिलेगा। आप पहले हम किसी के DP पर टैप करके सिर्फ हम उसका DP को ही थोड़ा सा बड़े साइज में देख सकते थे, बट अब यहाँ पे ये कुछ होगा कि अगर आप अपने उस DP के अंदर ना इस तरीके से टैप करोगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा। बट मिलेगा कैसे, सबसे पहले अपने व्हाट्सएप के चैट को ओपन करना है। चैट को ओपन करने के बाद उस पर्टिकुलर चैट को ओपन कीजिए जिसके आपका DP को देखना है,
उसके टॉप बार में टैप करेंगे, उसके प्रोफाइल पे टैप करेंगे तो वहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, पहला रहेगा स्टेटस और दूसरा रहेगा व्यू प्रोफाइल। मतलब यहाँ पे ना थोड़ा सा यूआई में आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा, यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेगा, पॉइंट डायरेक्टली और स्टेटस को भी देख सकते हो एंड उसका प्रोफाइल को भी देख सकते हो, लेकिन आप उसका डीपी का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। स्क्रीनशॉट कैसे लेना इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, आप मेरे चैनल के सारे वीडियो को चेकआउट कीजिए, आपको एक से एक यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फिर क्या कर रहे हो, जल्दी सब्सक्राइब करो इस आगे भी इस तरीके की इंटरेस्टिंग और न्यू लेटेस्ट अपडेट सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।